अब खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से आ रही है, जहां पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह के 25,000 के इनामी अपराधी से मुठभेड़ हो गई। ये मुठभेड़ रविंद्रनगर धूस थाना क्षेत्र के गणेशी पट्टी स्थित काली माता मंदिर के पास उस समय हुई जब पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि पुलिस ने बाइक को देखते ही रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस पर फायरिंग कर दी गई। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में अपराधी के पैर में गोली लग गई, वो घायल हो गया। घायल आरोपी के पास से पुलिस ने तमंचा, बाइक चोरी का सामान बरामद किया है। दरअसल बिहार के पश्चिमी चंपावत जिले के आरोपी बाला यादव पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। जनपद कुशीनगर में अपराधियों के खिलाफ अभियान जो चल रहा है, उसमें पुलिस एनकाउंटर, पुलिस मुठभेड़ में एक 25,000 रुपए के इनामिया बदमाश, उसको गोली लगी है, गिरफ्तार किया गया है। ये एक शातिर किस्म का अपराधी है बाला यादव, जो की चंपारण बिहार का रहने वाला है। इसके ऊपर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं और ये जनपद कुशीनगर में थाना रविंद्र नगर से गैंगस्टर एक्ट में ये वांछित था और इस पे इनाम भी था। हमारे एडिशनल साहब के नेतृत्व में हमारी थाना हाटा दरिया सुजान साइबर टीम एवं रविंद्र नगर के SHO के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को पुरस्कृत भी किया जा रहा है और साथ ही साथ जनपद कुशीनगर में अपराधियों के खिलाफ लगातार इसी तरीके से अभियान चल रहा है।